हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पांच ऐसे आसान तरीके जिसकी वजह से आपकी जो दांत है वो आप घर पे ही रह के बहुत जल्दी वाइट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगी जो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप उनको परचेज करके अपना जो टीथ वाइटनिंग का जो भी प्रोसेस है वो कम्प्लीट आप घर पर किस तरीके से कर सकते हैं, ये कितना सेफ रहता है और कितने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है, मेरा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में। कोई यहाँ आकर अपना इलाज करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीथ व्हाइटनिंग, कई बार एज के अकॉर्डिंग भी हमारे जो टीथ हैं वो येलो होने लगते हैं, बट इसमें टीथ वाइटनिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उससे पहले आपकी ओरल हाइजीन ज़रूर मेंटेन रहनी चाहिए। ओरल हाइजीन आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, दिन में आप दो बार ब्रश कीजिए, डेंटल फ्लॉस यूज़ कीजिए, और अगर आप कोई भी स्टेन वाला चीज़ें खाते हैं, यानी अगर आपने कॉफ़ी, चाय या फिर आपने कोई भी ऐसा मसालेदार खाना खाया है जिसमें येलो कंटेंट ज़्यादा है, हल्दी का कंटेंट या मसाले ज़्यादा हैं, तो उसके बाद में आप एक घंटे बाद में रुक के ज़रूर उसको अच्छे से रिंस करें यानी कुल्ला करें, ताकि आपका जो जितना भी स्टेन आपके दांतों पे चिपका हुआ है वो वॉश आउट हो जाए। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो सबसे इजी वे है जिससे आप अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं, वो टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट से आपको जो रिज़ल्ट है वो थोड़े टाइम बाद मिलेगा, बहुत स्लो रिज़ल्ट होता है, बट इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग 1 से 2 महीने कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद में को डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि लंबे टाइम तक टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करना भी आपके दांतों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आती है टीथ व्हाइटनिंग किट्स। कुछ किट्स ऐसी भी होती हैं जो आप घर पे पर्सनली यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं जो आपको ट्रे में डालने हैं, और ट्रे के अकॉर्डिंग इस पर टाइम लिखा हुआ होता है, उस अकॉर्डिंग आप अपने दांतों में लगा के रखें। और आप इसमें क्या करते हैं, कई बार कई ट्रेज आती हैं जो जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है चेंज होता है, इसलिए आप उसके पीछे पढ़ लेंगे कितने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है, और ये भी आपकी टीथ व्हाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रिप भी आती हैं, टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स आती हैं, पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, उसको आपको क्या करना होता है, दांतों के अगले हिस्से में आपको जो टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप है वो लगा के रखनी होती हैं। इसको आप ओवरनाइट भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसको कुछ घंटों तक भी यूज़ कर सकते हो, इसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी ईजिली मिल जाता है, और ये आपको मार्केट में या मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से कहीं से भी आप ईजिली इसको परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आजकल जो चल रहा है वो चलता है टूथ व्हाइटनिंग पेंस। पेन के अकॉर्डिंग भी, जैसे आप नॉर्मली पेन को यूज़ करते हो, हम कुछ भी नोट्स बनाते हैं या फिर कोई भी आप स्केच पेन मान लो, कलर मान लो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने दांतों पे भी टीथ व्हाइटनिंग कर सकते हो। व्हाइटनिंग पेन्स आते हैं, उसको आप अपने टीथ पे लगाओ और धीरे धीरे आपका जो शेड है वो चेंज हो जाएगा, तो आप वो टीथ व्हाइटनिंग पेन्स भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसे पाउडर्स आते हैं, चारकोल पाउडर्स आते हैं या फिर कुछ पाउडर फॉर्म में भी ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अगर पाउडर यूज़ करते हो तो उससे भी आपकी टीथ व्हाइटनिंग जो है वो बहुत ईजीली हो जाता है। बट इनमें से कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो आपको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करने हैं, जितने भी मैंने मटेरियल बताए हैं इनको आप लंबे टाइम तक यूज़ ना करो, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी केमिकल्स यूज़ होते हैं जो आपके दांतों के लिए लंबे समय के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो ये कुछ बहुत सिंपल से वे हैं जिसकी वजह से आप बिना डॉक्टर के पास जाए घर पर ही रह के अपने दांतों को वाइट कर सकते हो। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आपको कहीं पर भी जाना है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो और तुरंत आपको अपनी टीथ व्हाइटनिंग करनी है, तो उसके लिए ये पाँचों प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अगर ऐसा रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको भी आपके दांतों को वाइट करवाना है और आप ये हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।